एक तरफ जहां विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है, वहीं अलीगढ़ में ऊपरकोट कोतवाली इलाके के भोजपुरा क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार देर रात तमंचे की फैक्ट्री को पकड़ा है। यहां ताले की चाबी बनाने की फैक्ट्री की आड़ में तमंचे बनाए जा रहे थे। यह कार्रवाई बरेली एसटीएफ व स्थानीय पुलिस ने मिलकर की है। पुलिस के मुताबिक आरोपितों के पास से 19 तमंचे, एक रिवॉल्वर, 4 अर्धनिर्मित तमंचे व उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से 6 लोग भी दबोचे गए हैं, इनमें से एक मकान मालिक जबकि 5 कारीगर हैं। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। बीते दिनों पुलिस ने खैर गांधी पार्क थाना क्षेत्र में हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी थी। इसके बाद जिले के अन्य जगहों पर भी तमंचे बनाने की जानकारी मिल रही थी। इसी क्रम में गुरुवार को बरेली की एसटीएफ के साथ स्थानीय पुलिस ने ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा में बाबरी मंडी निवासी अंजुम हुसैन के मकान में छापा मारा। यहां नीचे ताले की चाबी बनाने का काम हो रहा था, जबकि ऊपरी मंजिल में अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। पुलिस ने यहां से 19 तमंचे, 315 बोर, एक रिवॉल्वर, 32 बोर, 4 अधबने तमंचे और इनको बनाने का सामान भी बरामद किया है। साथ ही मकान मालिक अंजुम हुसैन के अलावा सिविल लाइन क्षेत्र के आलमबाग निवासी कारीगर साहिल, फरुखाबाद के थाना कायमगंज के गड़ी नूर निवासी शहरोज, एटा के थाना जैथरा के बनिया डेहरा निवासी धर्मवीर सिंह व अनूप कुमार, एटा के थाना जैथरा के बड़ा गांव निवासी भूरे को हिरासत में लिया गया। क्षेत्र अधिकारी श्वेता पांडे ने बताया कि 19 तमंचे बरामद किए गए हैं, 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपित अलीगढ़ में तमंचों को नहीं बेचते थे, बल्कि कानपुर व प्रदेश के अन्य जिलों में अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे।